प्रयागराज की अतरसुइया थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों में ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 9 सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने पकड़े गए सट्टेबाजों के कब्जे से 3,86,000 रुपए, 20 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और 2 बाइक बरामद की है। दरअसल पुलिस को मीरापुर इलाके में कई दिनों से ऑनलाइन सट्टेबाजी की मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई कर एक खाली प्लॉट में सट्टेबाजी के पैसों का लेन देन करते हुए सट्टेबाजों को रंगे हाथों दबोच लिया। आज ये 3 अलग अलग स्थानों में बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है। उसकी सक्रिय गिरह के 9 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3,86,000 लगभग 4 लाख रुपए के आसपास बरामद हुआ है, 20 मोबाइल फोन, एक पावर बैंक, एक लैपटॉप और 2 बाइक बरामद हुए हैं, जिसमें 9 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। और अंकित जायसवाल, नितिन साहू, मोनू साहू, विवेक साहू, नवनीत राय, सिंटू केशरवानी, सचिन अग्रहरी, कौशल सोनी और अंकुर गुप्ता, इनके पास जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो आपको बता दी गई हैं। टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये जो एक मेन मोबाइल के द्वारा ये लोग काम करते थे, एक तो मुख्य मोबाइल से सट्टेबाजी करते थे, वो मुख्य लाइन होती थी, इसके अलावा दूसरी लाइन पर अन्य सट्टेबाजों का लगा करके सट्टेबाजी की जाती थी। इसके साथ ही कर्नलगंज थाना पुलिस ने रंगदारी के लिए सागर रत्ना रेस्टोरेंट में बमबाजी मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी पर पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपी बलिया जिला का रहने वाला है और घूरपुर के एक लॉ कॉलेज में विधि का छात्र है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।